अब हम आपको कुवैत में हुए क्राइम की खबर बताएंगे और इस क्राइम का क्रिमिनल कौन है उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। क्राइम भले ही कुवैत में हुआ हो लेकिन इसमें जान हमारे अपने भारतीयों की गई है और क्रिमिनल भी कोई और नहीं एक भारतीय ही है। सबसे पहले इस क्राइम की तस्वीरें देखिए। रोजी रोटी के लिए देश से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन नौकरी के लिए आप अमानवीय हालातों से भी समझौते करके वहां रहते हैं तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको सावधान हो जाना चाहिए। कुवैत के मंगव शहर की इस बिल्डिंग में कल आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई जिसमें 42 या 43 भारतीय मजदूर हैं। रात को सब सोए हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पर किचन में आग लगी जो कुछ ही मिनटों में ऊपर तक पहुंच गई। बिल्डिंग से निकलने का एक ही रास्ता था लेकिन उस रास्ते में आग थी। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर कूदे लेकिन जो हिम्मत नहीं जुटा सके उनका वहीं दम घुट गया। भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया है। शवों को लाने एयरफोर्स का विमान भी तैयार है। बड़ी मुश्किल ये है कि पहले शवों की शिनाख्त तो हो क्योंकि ज्यादातर शव इतने जल चुके हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है। Situation is that the victims are mostly are burn victims and some of the bodies have been charred beyond recognition. So DNA test is underway to identify the victims and the Air Force plane is on the ready and as soon as the bodies are identified, their kin will be informed and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. इस इमारत को लालच का लाक्षाग्रह कुवैत सरकार ने ही कहा है। इसे बिल्डिंग मालिक और मजदूरों की कंपनी के मालिक के लालच का नतीजा बता चुकी है। اصحاب العقارات هو اللي اجى له الامور هذه। दुर्भाग्यवश आज जो हुआ वह कंपनी और इमारत के मालिक के लालच का नतीजा है। मैं नगर पालिका और लोकल अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करूंगा। जिस कंपनी ने इस बिल्डिंग में भारत से लाए गए मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ था अब उसके मालिक की शक्ल देखिए, वो भारतीय ही है। नाम है केजी अब्राहम उर्फ केजीए। केजी अब्राहम केरल के तिरुवला का एक बड़ा कारोबारी है। केरल के कई प्रोजेक्ट में अब्राहम का बड़ा निवेश है। अब्राहम का कुवैत में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। इसी ग्रुप का नाम है NBTC यानी नासर एम अल बद्दाह एंड पार्टनर जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। केजी अब्राहम इस कंपनी का संस्थापक और MD है। NBTC कुवैत में तेल के कारोबार से जुड़ी हुई है। NBTC ने ही मंगव की ये बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी और इसमें भारत से लाए गए मजदूरों को रख रखा था। मजदूरों के रहने के हालात बेहद खराब थे। इमारत में 196 मजदूर रह रहे थे। बिल्डिंग में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। बिल्डिंग में आने जाने का एक ही गेट था। इमारत की छत पर जाने का रास्ता बंद था। बिल्डिंग में रहने वाले ज्यादातर भारतीय मजदूर केरल और तमिलनाडु के थे। उसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल और फिलीपींस के मजदूर भी यहां रह रहे थे। कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां की आबादी का 21% है। कुवैत की वर्क फोर्स में 9 लाख यानी 30% तक भारतीय हैं। भारतीय श्रमिकों की संख्या के लिहाज से कुवैत पहले नंबर पर है। इनमें 1000 भारतीय डॉक्टर्स और 24,000 से ज्यादा नर्सेस हैं। कुवैत में भारतीयों की एक बड़ी संख्या वहां की तेल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों की है। इस हादसे में करीब 50 मजदूरों ने जैसे तैसे जान बचाई है। इनमें 6 भारतीय भी हैं। केंद्र सरकार कल ही 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। आज थोड़ी राजनीति भी हुई। कांग्रेस बोली कि यह रकम बहुत कम। Z News.